तो तीसरा जो अपडेट आया था ये तो पहले ही आ गया था, फिर भी मैं आज आपको बता दे रहा हूँ जो नहीं जानते होंगे लिए। यह म्यूजिक से रिलेटिव आया था, जैसे कि जो बड़े बड़े कंपनी है, जो म्यूजिक कंपनी है, जैसे असमस का टी सीरीज हो गया, जैसे कि मतलब कोई भी म्यूजिक जो कंपनी है, टी सीरीज हो गया, कोई आता है कोई, जैसे जीवन सावन हो गया, मतलब कोई भी म्यूजिक है, तो पहले हम लोग क्या करते, बैकग्राउंड में या मेन पर उन पर डांस करते थे, उनके सॉन्ग पर डांस करते थे, वीडियो अपलोड करते थे, तो यूट्यूब पर उसका कॉपीराइट आ जाता है, या गाना जो रिमिक्स करते हैं डीजे में रिमिक्स करते हैं वो भी उनका वो गाना रिमिक्स करते, तो मतलब मैक्सिमम टाइम कॉपीराइट आ ही जाता था, चाहे वो गाना कैसे भी रिमिक्स करे, ठीक है, उनका गाना अगर लेकर ये रिमिक्स करे तो कॉपीराइट आ जाता था, या डांस करते थे तो कॉपीराइट आ जाता, या बैकग्राउंड में नहीं लगा सकते थे, कॉपीराइट का डर था, तो भैया YouTube मतलब या न्यू अपडेट में लाया है कि उसको कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा, आप मैक्सिमम टाइम उनके गाने को उनके बैकग्राउंड में लगा सकते हो, उन पर डांस वीडियो बना सकते हो, या मतलब आप उसको रिमिक्स कर सकते हो, ज़्यादा उनसे गाने का फ़ायदा आप भी ले सकते हो, जो पॉपुलर सॉन्ग है, जो वायरल हैं, आज भी वायरल में, जैसे सॉन्ग का मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे जो आया था वो बारिश आया था, बहुत सारे सॉन्ग हैं आपको जो अच्छा लगता हो, उस पर भी आप वीडियो बना सकते हो, अब कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ना ही आपको मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं, यूट्यूब ने स्टोर नहीं किया है कि कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, पर मैक्सिमम टाइम आपको कॉपीराइट नहीं आए मिलेंगे, आप उन पर डांस वीडियो हो सकता है डांस वीडियो बनाओ, या आप उसको रिमिक्स करके डालो, या मतलब कुछ भी कर सकते हो उस गाने का साथ, क्योंकि ऐसा था ना, बहुत लोग डांसिंग का शौक रखते थे और जो गाना पर उनको डांस करना था वो गाना उनको मिल नहीं पाता था, और जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक पर थोड़ी ना डांस करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, तो इसीलिए उनको मैक्सिमम टाइम कॉपीराइट आ जाता था और उनके वो अपना हुनर को सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते थे। तो यही न्यू अपडेट आया है जिसमें आप अपने मतलब जो डांस करने का मन हो, या रिमिक्स कर जो रिमिक्सर हो, रिमिक्स करते हो गाना, या बहुत कोई हो जहाँ गाना गाना चाहते हो, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक लेके सिंगर हो बनना चाहते हो, गाना गाते भी हैं बहुत लोग, तो उनका गाना यूज कर सकते हैं, उनको अब कॉपीराइट क्लेम नहीं दिया जाएगा मैक्सिमम टाइम। और इसमें क्या है ना, बड़े बड़े कंपनी जैसे टी सीरीज है, सब शामिल है, इनका भी गाना पर कोई कॉपीराइट नहीं दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी अपडेट है कि यह अभी कब तक अप्लाई होगा, इसका कोई डेट तो आया नहीं है, फिर भी बताया जा रहा है कि 2023 तक ये शायद अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो 2023 तक अप्लाई हो जाएगा, तो आप बहुत ही हैप्पी हो। और तीनों अपडेट के बारे में आपको देखना चाहते हो तो साइड में अभी दो वीडियो आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर, आप तीनों अपडेट देख सकते हो। और इसमें मतलब बहुत ही लंबा है, तीनों अपडेट के बारे में बहुत जल्दी आपको वीडियो ला दिया हूँ यूट्यूब पर, शायद आपको वीडियो मिल जाएंगे ऐसे, पर मैं तीसरा नंबर पर हूँ जो ये अपडेट के वीडियो बना रहा हूँ, तो आप चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में घंटी को ऑल पे सेट कर सकते हो, और कमेंट जरूर करना अगर कोई भी अपडेट आपको जानना हो, कोई भी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम यूजर आईडी दिख जाएंगे, आप फॉलो कर लो, और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं 100% आपको जवाब दूंगा, अगर वीडियो बनाने वाला होगा तो वीडियो बना के भी बताऊंगा।